जी हाँ, ये प्रेम कथा है शिव और सती की। कैसी दास्तान, ब्रह्मांड भी जिसका वंश है और एक ऐसी काया, शिव भी जिसका एक वंश है। एक राजा है भूतों का, एक रानी धरती अंबर की। हो एक राजा है भूतों का, एक रानी धरती अंबर की। है इतनी गहरी मोहब्बत के मानो गहराई समंदर की। एक बार राजा दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया सिवाय भगवान शिव के। पति के ऐसे अपमान के बावजूद पिता के मुंह में सती यज्ञ में शिव से आज्ञा पाकर चली आई। परंतु राजा दक्ष ने मारे क्रोध के भरी सभा में शिव के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। पति का ऐसा अपमान सुनकर सती खुद को रोक न पाई और उसी यज्ञ में कुंठावश अपने प्राणों की आहुति दी। और जैसे ही भगवान शिव को यह पता चला, आसमान चल उठा, धरती फट पड़ी और शुरू हुआ शिव का तांडव। शिव सती के बिना शव के समान हो गए और एक लंबी तपस्या में चले गए। अगले जन्म में सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या के बाद एक बार फिर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। उस जन्म के शिव सती इस जन्म में प्रसिद्ध हुए शंकर पार्वती के रूप। पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी भजन दिया।